कोरोना लॉकडाउन में सभी की हालत पतली हो चुकी है। सभी व्यापारी अपनी जगह परेशान हैं, शिक्षक अपनी जगह परेशान हैं, छात्र अपनी जगह परेशान हैं। और इसी तरह परेशानियों की श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ती है डांस टीचरों की। जलगांव में बड़ी संख्या में डांस टीचर्स हैं, डांस क्लासेस हैं, जहां पर एरोबिक और अन्य डांस सिखाए जाते हैं। इन सभी की क्लासेस भी कोरोना के लॉकडाउन के समय से बंद ही है और अब काफी दिन हो जाने के बाद ये लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी क्लासेस भी शुरू कर दी जाए। इसी के मद्देनजर मंगलवार को जलगांव के जिलाधिकारी को सभी डांस टीचर्स की ओर से एक निवेदन भी सौंपा गया। आमच्या काही मागण्या आहेत, गेल्या 5 महिन्यापासून लॉकडाऊनमुळे आमचे क्लासेस वगैरे बंद आहेत, त्यामुळे अनेक परिवार ज्यावर अवलंबून आहेत ते परिवारांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। यासाठी आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। यानंतर आमची दुसरी मागणी अशी आहे का आम्ही 20-25-25 हजार रुपये भाडं देऊन आम्ही हॉल भाड्याने घेतलेले आहेत आणि त्या हॉलचं भाडं भरणं आम्हाला देणं जरा मुश्किल झालेलं आहे, त्याच्यामुळे ते रद्द होण्यात यावं ही आमची दुसरी मागणी आहे। की सगळे आर्थिक परिस्थिती त्यांची खूप सारी ढासळलेली, तर आमचं कलेक्टर साहेबांना फक्त हेच निवेदन आहे की तुम्ही आमच्या या निवेदनाची दखल घ्यावी आणि लवकरात लवकर काय तो निर्णय असेल तो आम्हाला द्यावा। डांस टीचरों का कहना है कि उन्हें भी डांस क्लासेस शुरू करने की परमिशन दे देनी चाहिए, क्योंकि उनकी भी आर्थिक परिस्थितियां अब बहुत ज्यादा डामाडोल हो चुकी है। वे बाकियों की तरह सोशल डिस्टेंसिंग और जरूरी परहेजों का इंतजाम करने के लिए भी तैयार हैं। इस दौरान वहां अश्विनी तांबे, बी आनंद कुमार के नेतृत्व में मयूर अहिर राव, दीपक नेवे, सचिन पाटिल, नरेश बागड़े समेत कई डांस टीचर्स मौजूद थे। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।